हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। और बताएं कैसे हैं आप लोग, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्त बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, क्या बताऊँ दोस्त। आप लोग तो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल हम लोग ना अच्छे हैं और मेरे गाँव की हालत कुछ अच्छी नहीं है फ्रेंड, इसीलिए हम लोग अच्छे नहीं हैं। कल से ही हमारे गाँव पर दुखों का पहाड़ टूटा है और इतने जोरों से पहाड़ टूटा, मैं आप लोगों से क्या बताऊं। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे फ्रेंड जो हम लोगों के गांव में हुआ। और मेरे गांव में ना फ्रेंड पहली बार ऐसी हादसा हुई, मैं आप लोगों से बता दूं। मैं कल लाइव दिन में भी ना आ पाई और रात में भी आए तो मेरा दिमाग कुछ सही ना था, बस वही दिन की बातें, मेरे गांव की बातें उलझने कुछ ऐसे तड़पा रहे थे, सता रहे थे। पास में बैठ के सबके साथ बातें करना, हंसना, बोलना, यही सारी यादें बहुत रातों तक ने मुझे रुलाया। मैंने खूब रोई, अपने जितना हुआ मैं उतना रोई जितना मेरे से हो सका फ्रेंड, क्या बताऊँ। कल मेरे गांव से, मैं अभी गांव दिखाती हूँ, मेरे गांव के दो भाई थे, दोनों लोगों का एक्सीडेंट हो गया फ्रेंड। और एक भाई का डेथ हो चुका है और एक भाई अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके जो कहने वाले लोग बता रहे हैं, मेरे पास वीडियो है पर मैं वो वीडियो ना डाल सकती क्योंकि वो वीडियो डालना मैं उचित ना समझती फ्रेंड, इसीलिए मैं वो वीडियो ना डालूँगी। जो एक भाई है उसके है आधे इधर से ही सारा ख़त्म हो चुका है और उसे होश तो आ गया है। फिलहाल अभी उसे कुछ बताया नहीं गया है कि तेरे साथ क्या हुआ, कौन था, कैसे हुआ, कुछ उसे पता नहीं है। तो फ्रेंड इसीलिए आप लोगों ने मुझे लाइव में बहुत ही, बहुत लोगों ने, मेरे जितने अच्छे प्यारे भाई थे सारे दोस्त मुझे बहुत ही आसवाना दिए, संतुष्टि दी। फिर भी दोस्त क्या बताऊँ, जब कोई अपना अपने आप से होके बिछड़ता है ना तो उस बात की दुख बहुत होती है। मतलब कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था लेकिन हाँ बचपन में हम लोग एक साथ थे और बड़े हो गए लोग सब कमाने चले गए, फिर कहीं मिलना जुलना, दीदी कह के ही बात करना, अच्छे से बोलना, ये सारी यादें बहुत परेशान की दोस्तों। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग बोले कि मैं भी आपके ब्लॉग में आना चाहती हूँ। बोली हाँ, बोलो बच्चों कुछ बोलना चाहोगे, ना बोलना चाहोगे। हेलो फ्रेंड, अपने गांव में कल क्या हुआ, कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा बेटा? नहीं नहीं कुछ ना, सारे छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा फ्रेंड, कल कुछ अच्छा ना लगा। और सारे पूरे गांव के लोग ऐसे उथल पुथल में हैं जैसे अपने गांव से क्या हो गया, कितना बड़ा हो, बड़ा तो कांड है ये फ्रेंड, छोटा छोटा बच्चा सदमा में है देख के। कभी इतनी उम्र में कभी आप लोग देखा था ऐसा बाबू? नहीं। सुना नहीं ना था, पहली बार इन लोगों ने सुना। और मैं भी इतनी बड़ी हो गई और मैं भी ना भी सुन देखी थी, मेरे गांव में और जगह मैं सुनी थी पर मैं आँख से देखी, मैं ये सब देखना अच्छा ना लगता सफर। मैं कल देख ली, मेरे भाई ने मुझे सेंड किया वीडियो, मैं कल कहीं और गई थी और मैं देखी, इतना सर में दर्द काफ़ी लग रहा था, खून मेरे सर में घूम रहा और जब तक मुझे उल्टी ना आ जाए, लेकिन हाँ उल्टी तो ना हो, मैं दवा वखाई, फिलहाल सब कुछ सही हो गया फ्रेंड। मैं देरी ना करते हुए मैं उन लोगों को गाँव दिखाती हूँ मैं कितनी दूरी पर हूँ और क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। आप लोगों ने बोला था कि भगवान की जो मर्जी होती है वो होके रहता है, नहीं फ्रेंड बात तो सही है लेकिन अगर थोड़ी दूरी रहती तो सहा जाता, लेकिन नज़दीकी थी ना बिल्कुल, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से फ्रेंड। देखिए यही गाँव है, वैसे मेरे घर से इतना है, यही हमारा घर है और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, देख सकते हैं आप लोग, इतना ही दूरी पर ये है, मतलब इतना ही दूरी पर जो कांड हुआ है। एक जो बाबू था इस घर के था एक बाबू, और एक बाबू का घर जो ऑटो खड़ा है उसके पीछे है, लेकिन हाँ वो बाबू तो है, एक बाबू है, एक बाबू अब इस दुनिया में ना रहा। उसके मरने के बावजूद भी उसके शरीर की ऐसे हालात हो रही हैं फ्रेंड, क्या बताऊँ। कुछ उन्होंने कुछ अपने, मतलब लाइफ में आदमी तो कुछ करता है ना कि हाँ कल के दिन में मुझे काम है, कुछ ऐसा काम वो किए थे, पैसा अकाउंट वकाउंट वगैरह की सब की ज़रूरत, मतलब वो सब काम किए थे बाबू ना, तो वो सब हुआ। और फिर एक बार तो चली गई, अब सारी तैयारियां हो गई थी उन्हें ले जाने के लिए शमशान घाट पर, फिर उन्हें नहीं ले जाया गया। लोगों ने कहा कि अब तो वो चला गया जो चला गया, लेकिन फिलहाल जो है उसे हम ना छोड़ें।
एक होती है ना, पर उनके घर वाले ना तैयार हो रहे थे फ्रेंड, लेकिन फिर बहुत गांव के लोग संतुष्टि संतावना दिए हैं कि नहीं चलो चला जाए। फ्रेंड क्या बताऊँ, बस अब इतना ही दूरी है तो कैसे कोई सहा जाए, कैसे को कितना हो कोई भूलने का नाम ले रहा है। फ्रेंड कोई नहीं भूल रहा, उनके घर के लोग तो घर के लोग है ये हैं, जो हम लोग हैं ना मेरे मोहल्ले में वो लोग यादव हैं और हम लोग मौर्य हैं। फ्रेंड हम लोगों के मोहल्ले में पूरे कोई खाना बना बना है खाना, ऐसी बात ना, पर कोई खाया नहीं। सबकी यादें सता रही हैं कि हाँ कोई था मेरे गांव से, कोई चला गया और नव युग था को ना तो कुछ देखे थे। फ्रेंड लाइफ में अभी सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे ही बढ़ना चाहते थे, लेकिन भगवान की वो भी मंजूर ना था। भगवान ने उन लोगों के ऐसे पैर खींचा कि अब मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्रेंड ज़्यादातर मैं ना करते हुए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती अब वीडियो में, और मैं ब्लॉग यहीं पेंट करती हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और भगवान आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में उनकी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ लिखें। ठीक है फ्रेंड, तो मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।